नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून के डोईवाला में जल जीवन मिशन के तहत रानी पोखरी ग्रांट के गांव में बिछी पेयजल लाइनें मानकों के ताक पर रखकर बिछाई गई है। इस दौरान स्थानीय निवासी और RTI कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने RTI के माध्यम से सूचना मांगी, तो उसमें दस्तावेजों के आधार पर 3 फीट गहराई में लाइनें बिछाने का प्रावधान है। बावजूद इसके 3 से 6 इंच की और 1 फीट से गहराई में लाइनों को बिछाने का काम किया गया है, जो कि पूरी तरह मानकों के अनुरूप है। वहीं अब RTI कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने काम की जांच की मांग की है, जिससे सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत सरेंद्रवाला, ग्राम पंचायत भोपुर, ग्राम पंचायत बागी में पाइपलाइन बिछाई गई, जिसका कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया। जबकि मानकों के आधार पर, जो दस्तावेजों के आधार पर पाइपलाइन 3 फुट डाली जाती है, इनके द्वारा कहीं पर 15 सेंटीमीटर, कहीं पर 1 फीट, कहीं पर 1.5 फीट गई डाली गई है। एक भी कार्य मानकों के अंतर्गत नहीं किया, उसके विपरीत किया गया। हम ही चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से इनकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी इनके खिलाफ कार्रवाई। बाजपुर में सैकड़ों सालों से स्थापित विशालकाय वृक्ष को 3 माह की मेहनत के बाद किला खेड़ा के इंटर कॉलेज में रिप्लांट कर दिया गया है। और इस पेड़ को रिप्लांट करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर बाजपुर के दौराहे चौराहे पर चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया था, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाते हुए 2 धार्मिक स्थलों को दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़े अजय नागर ने बताया कि पुरानी जड़ों को काट कर नई जड़ें आने के बाद पेड़ को रिप्लांट किया गया है। साथ ही पर्यावरण प्रेमी अमित सैनी ने कहा कि वह इस पेड़ को बचाने के लिए पिछले 7 महीने से प्रयास कर रहे हैं। आज मेरे लिए और क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही हर्ष का अवसर है। 7 महीने पूर्व मैंने इसकी मुहिम की शुरुआत की थी, जब इस पेड़ को काटा जा रहा था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि ये ना काटा जाए और मेरी वो मुहिम आज सफल हुई और आज इस पेड़ को इस यहाँ से हटा करके दूसरी जगह रीप्लांट कर दिया गया है। ये पूरे जगत के लिए एक ऐसा संदेश है कि हर पेड़ को काटा नहीं जा सकता, उसको दूसरी जगह लगाया जाए तो इन पेड़ों को बचाया जा सकता है। संदेश है कि हमें पर्यावरण के लिए आज कल परसों का नहीं, तरसों का सोचना है। हमें अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए इन वृक्षों को और इस संपदा को संजो करके रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो ऐसी भीषण त्रासदियाँ आएंगी, उत्तराखंड नए हिमालय क्षेत्र में आता है। इसलिए वृक्षारोपण और वृक्षों को बचाना एक बहुत बड़ा पुण्य का भी काम है। ये हमने जनवरी में शुरू किया था और इसको करीब 3रा महीना चल रहा है। आज इसमें नई जड़ें, पुरानी जड़ें काट के, नई जड़ें निकाल के और नए पत्ते निकाल के, सर्दियों में इसके पत्ते पूरे झड़ चुके थे, अब आप देखेंगे पेड़ जो है पूरे नए पत्तों से खिला हुआ है। तो अब नए पत्ते भी आ गए, नई जड़ें भी आ गई, इसके खाने का सिस्टम जो है पूरा दोबारा से शुरू हो गया। अब ये जहाँ लगेगा वहाँ पर ही अपने आप ही चलता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जो है 2 महीने बाद दोबारा कवर करना, ताकि आपको पूरा आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पेड़ मरा नहीं, बिल्कुल जिंदा चलता रहा। आस्था तो है ही, ये मंदिर के साथ का पेड़ था और यहाँ पर मिस्टर अमित सैनी हैं यहाँ के, जो पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने उनके पूरे प्रयास से, कहने का मतलब वो पिछले 7-8 महीने से हमारे पीछे लगे रहे, तो हमें पीपल के पेड़ की वजह से यहाँ आना पड़ा। हल्द्वानी के सेंट्रल हॉस्पिटल में BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपना पहला गैस्ट्रो और लीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया है, जिसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट के लिए विशेषज्ञों की सलाह और इलाज के अलावा लीवर से जुड़ी कई बीमारियों का इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर मानव वधावन ने बताया कि महीने के आखिरी शुक्रवार को मरीजों की OPD की जाएगी। शुरुआत तो हमने आज से ही कर दी है, पहली OPD आज रखी है और हम चाहते हैं, हमने अभी तो प्लान ये है कि हर महीने के आखिरी शुक्रवार को हम यहाँ पे OPD करेंगे। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड लिवर की क्लिनिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब पेट की प्रॉब्लम्स, आंतों की प्रॉब्लम्स, पेट का दर्द, कब्ज, कैंसर्स, लिवर की प्रॉब्लम्स, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, एडवांस लिवर डिजीज़ की ट्रीटमेंट, पेट में पानी और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत, इन सब चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये होगी कि हर तरह की पेट से रिलेटेड बीमारी और लिवर से रिलेटेड बीमारी को हम यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करें।
रामनगर में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों की ओर से पीरूमदारा बाजार बंद कराया गया। इस दौरान किसानों के साथ उनकी महिलाओं और छोटे बच्चे भी बैनर हाथ में पकड़कर भारत बंद का आह्वान करते नजर आए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद रामनगर के कई इलाकों में बाजार बंद का असर देखने को मिला। ये जो भाजपा सरकार है, इसके द्वारा जो तीन काले कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं, उस बिल के विरोध में लगातार 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर लगभग 5 लाख की जनसंख्या के उसमें किसान बैठा हुआ है, जिसमें लगभग 300 किसान हमारा शहीद हो चुका है। ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इसको चेताने के लिए, जगाने के लिए आज भारत बंद का ऐलान हुआ था, जिसमें संयुक्त मोर्चा की तरफ से, किसान संयुक्त मोर्चा का, रामनगर हमारे ज़िले में पूरा असर है इस चीज़ का। पीरूमदारा में स्टम बंद, पूरा आप देखो चारों तरफ दुकानें बंद हैं, टांडा, हल्दुआ, रामनगर, सब जगह पूरा असर है इसका। ये हम यहाँ पे आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आए हैं, आज भारत बंद के समर्थन में। ये किसानों की तरफ से है, क्योंकि जो काले कानून तीन बनाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, वो किसानों को जब चाहिए ही नहीं तो उन्हें जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। या तो सरकार बैठ के किसानों के साथ चर्चा करे, फायदे समझाए, या फिर उसके फायदे दिखाए हमें कि किसको फायदा हुआ है। अभी तक तो किसी को फायदा दिखा नहीं कि क्या फायदा हुआ है। मंडियां बंद हुई हैं जहाँ पे बिहार में, तो वही मजदूरी यहाँ पे भी वो करवाना चाहते हैं पंजाब के किसानों से या किसी से भी। तो ये काले कानून जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक हम अपनी मांग पे अड़े रहेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रेनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वाट की लाइट्स में 6000 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंडेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए, ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।